गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज है हमारा थर्ड डे गोवा में एंड बस उठे हैं, काफ़ी लेट हो गई उठने में आज हमें, बिकॉज रात को पार्टी के लिए गए थे तो इसीलिए उठने में लेट हो गई है। अभी ब्रेकफास्ट हमने ऑर्डर कर दिया है तो ब्रेकफास्ट करेंगे, देखते हैं आज क्या करते हैं, आज सारे दिन का क्या प्रोग्राम रहता है। जस्ट थोड़ा सा रिलैक्स ही करेंगे मोस्टली। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि ब्रेकफास्ट में हमने क्या क्या ऑर्डर किया है। ब्रेकफास्ट के लिए यहाँ पर हमने एक मसाला डोसा ऑर्डर किया था, इडली ऑर्डर करी थी, देन ये सांभर है, चटनी है, देन एक वेजिटेबल उपमा ऑर्डर किया था एंड फिर ये पोहा ऑर्डर करा था। तो पूल से आने के बाद में हमने खाना वगैरह किया और उसके बाद में एक डेढ़ घंटा रेस्ट किया। अब 2:30 बज चुके हैं एंड अब हम जा रहे हैं लंच करने के लिए। तो लंच के लिए हम देख रहे थे कोई भी वेजिटेरियन रेस्टोरेंट अगर मिल जाए तो वहाँ पर जाके लंच कर लेते हैं। तो जब गूगल में सर्च किया तो हमें एक रेस्टोरेंट नज़दीक में ही मिल गया था, तो हम सोचे वहीं पर जाके हम लंच कर लेते हैं। तो अभी हम आए हैं वेजी रेस्टोरेंट जो 100% वेजिटेरियन है एंड यहाँ पर जैन फूड भी अवेलेबल है, तो यहीं पर लंच करेंगे। तो ये इंटीरियर है वहाँ का। तो यहाँ पर हमने एक सोया चाप की सब्जी मंगवाई थी, एक मिक्स वेजिटेबल मंगवाया था एंड फलके मंगवाए थे। तो लंच हमने कर लिया है एंड खाना जो था काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। अगर आप यहाँ पर ट्राई करना चाहते हैं तो ट्राई कर सकते हैं। हालांकि फूड की जो रेट्स थी वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव लगी मेरे को बाकी जगह से। ये मोस्टली सब्जी वगैरह की भी 300 समथिंग ऐसे रेट्स थी, तो वो थोड़ा सा लिटिल एक्सपेंसिव होता है। तो अभी हम हैं पालोलम के मार्केट में, तो देखते हैं यहाँ शॉपिंग के लिए कुछ मिलता है। तो ये जहाँ पर रिजॉर्ट था वहीं पर ये मार्केट था पालोलम का। सारे तरीके के जो भी कपड़े हैं यहाँ पर मिल रहे थे एंड शॉर्ट्स वगैरह भी इजीली मिल जाते हैं। देन हम गए बीच पे शाम को, तो इवनिंग में सोचा थोड़ा बीच चलते हैं, बहुत अच्छा मौसम हो रखा था। तो यहाँ पर हम आ गए हैं बीच पे। तो अभी हम आ गए हैं बीच पर एंड जस्ट यहाँ रुकेंगे आधा एक घंटे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं क्राउड काफ़ी ज़्यादा था एंड यहाँ पर काफ़ी एक्टिविटीज़ वगैरह जो भी होती है तो वो हो रही थी, पैरासेलिंग वगैरह एंड जो भी जेट स्की वगैरह जो भी है, तो वो सारी एक्टिविटीज़ यहाँ पर हो रही थी। तो हम एक पतंग लेकर आए थे, मेरा बेटा मतलब काफ़ी इंसिस्ट कर रहा था कि उसे पतंग उड़ानी है बीच पर, तो यहाँ पतंग लेकर आए थे। तो मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा जो है तो यहाँ पर पतंग उड़ा रहे हैं अपनी एंड काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं। बहुत ही अच्छी हवा चल रही थी तो पतंग भी काफ़ी अच्छी तरीके से उड़ रही थी, जैसे आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से उड़ रही थी एंड मौसम बहुत अच्छा हो रखा था, बहुत अच्छी हवा चल रही थी। यहाँ पर ये लोग इंजॉय कर रहे हैं। अभी शाम का टाइम है एंड हवा काफ़ी ज़्यादा अच्छी चल रही है, मौसम बहुत ही अच्छा हो रखा है, बिल्कुल भी ऐसे नहीं लग रहा है कि गर्मी लग रही है, बहुत अच्छी हवा चल रही है, काफ़ी अच्छा लग रहा है बीच पे आके एंड सनसेट थोड़ी देर में हो जाएगा। यहाँ पर सनसेट होने तक हम रुके थे, उसके बाद में हम गए डोमिनोज बिकॉज पिज़्ज़ा खाने का मन हो रहा था, तो सोचा यहाँ से टेक अवे ले लेते हैं एंड उसके बाद हम वापस रिजॉर्ट चले गए। तो ये व्लॉग मैं यहीं पर एंड करूँगी। आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।